से बंधता है व्यक्ति, जिन्होंने अपने पुत्रों का त्याग कर दिया वे एक हिरणी के बच्चे के प्यार में बंध गए। पहला पोसा बस हिरणी, वो बच्चा 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 करते वो बड़ा हुआ और वो चला गया, और ये उसी के वैराग में शरीर छूट गया और बन गए मृग। अंतमति मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्यम या मतिर सा गतिर भवेत्। अंतिम समय आपकी जो मति होगी, बड़ी सूक्ष्म बात है देवियों, न जाने मति कहां अटक जाए। गुरु के शरीर छूट रहे हैं, चेले घेर के खड़े हैं और गुरु को कह रहे हैं गुरु जी कुछ तो बता दो, कुछ तो बता। एक चेला बड़ी दूर से आया, गुरु जी मैं तो आपके पास रहा ही नहीं, चरणों की सेवा ही नहीं की, अब तो बता दो कोई इच्छा होगी। तो गुरु ने कहा भाई कोई इच्छा नहीं है मेरी। तो इतने में बगीचे पे नजर चली गई केले के, बोले अच्छा तेरी बड़ी इच्छा, जाके केला ही खा लेता हूँ, ले आ। जब तक वो केला लेके आया तब तक प्राण पखेरू। गुरु का शरीर छूटा तो चारों तरफ धुंधुबियां आनंद की लहरियां नहीं दौड़ी, गुरु मुक्त नहीं हुआ। और चेला भाग के गया, उसने देखा वहां, उठाया वो केला, केले को खोला तो उसमें अभी अभी एक कीट पैदा हुआ था, उसने वो कीट को मसल दिया। और कीट को मसल दिया इतने में ही आनंद की फुहारें फूटने लगी। इतनी छोटी सी चाह भी बंधनकारी बनकर किसी कीट पतंगे के शरीर में पहुंचा सकती है, इतनी सावधानी चाहिए देवियों। इसलिए हमारे देश में यही पुरुषार्थ माना गया कि आपकी जब काया छूटे तो कितनी सजगता से छूटे, आत्मरति हो आपको, अपने आप में आप विराजमान हो। मृग बने पर पूर्व जन्म का स्मरण है, फिर दावा नल की आग में जल के भस्म हुए, और फिर क्या हुआ, दोबारा जन्म हुआ, जुड़वा बच्चे जन्मे आंगिरस ब्राह्मण के घर में। पूरी सजगता, पूरे ज्ञानी पर बोले नहीं कभी। पिता ने कहा ये तो जड़ है, नाम पड़ा जड़ भरत जी महाराज। माता पिता रहे नहीं, भाइयों ने कहा खेतों में ही बैठ के चिड़िया उड़ाया करो, काम धाम तो कुछ करते नहीं, हट्टा खट्टा खाया शरीर, खाया पिया शरीर, मस्त भरत जी मचान पे बैठ जाते, चिड़िया दाने चुनती और ये बैठ के आनंद लेते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ चिड़िया, भर भर पेट, हमारे बाप का क्या बिगड़ता है। भाइयों ने खदेड़ दिया घर से, ना मान पाने का आनंद है, ना अपमानित होने से चित्त क्षुब्ध होता है, कोई बंधन नहीं, मुक्त है। पकड़ लिया वहां पर भीलों के मुखिया के घर में पुत्र हुआ, खुशी में उन्हें बलि चढ़ानी थी और मां के सामने खड़ा कर दिया इनको, चंदन लगा के कपड़े अपड़े पहना के। अब मां भला ज्ञानी क्या, ज्ञानी पुत्र का भी बलिदान नहीं लेती, माँ अपने बच्चों का बलिदान नहीं लेती, माँ अपने बच्चों पर बलिदान हो जाती है। और वो पाषाण का सीना चीर के भगवती चंडी प्रकट हो गई और मारने वालों को शरीर की कंदुक और सिर की कंदुक बना के क्रीड़ा करने लगी। भरत जी छूट गए, मुक्त हो गए, ना तो मारे जाने का दुख था ना बचने की खुशी है। ये अंतर दशा, ऐसी अंतर दशा, ना त्यागो ना ग्रहो लय, ना किसी को पाने की चाह है ना कुछ छोड़ देने की चाह, ये है भरत जी महाराज। और फिर सिंधु सोबीर देश के राजा रघुगन, वो पालकी में जा रहे थे, चौथा भाग गया, इन्हीं को लगा लिया और ये कहार बन के ढो रहे हैं राजा को। और फिर जब देखते हैं चींटी है तो चींटी ना दब जाए तो कूद जाते हैं, तो वो पालकी में राजा फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर, दो चार बार ये सब हुआ तो उसे गुस्सा चढ़ गया। तो उसने कहा जम के बाद मेरी जिम्मेदारी है, ऐसी गत बनाऊंगा, हट्टे खट्टे खाए पिए लग रहे हो, कमजोर हो क्या,
तो रहुगन क्या था? ये वही मृग था जिसको भरत जी ने पाला था, उनके संग से वो मनुष्य बना और राजा बना, और जिसको कंधे पे ढोया है वो अज्ञानी ना रह जाए। इसीलिए भरत जी महाराज 40 बसंत बीत गए, पर 40 साल बाद पहली बार बोले और रहुगन को आत्मज्ञान दिया, उसे आत्मबोध कराया। कौन है स्वामी, कौन है दास, ये तो जगत का व्यवहार है। शरीर काला गोरा मोटा पतला, ये तो शरीर का धर्म है। इंद्रियां देखती हैं, गुणों में गुण बरतते हैं। मैं नित्य मुक्त हूँ, मेरी मुक्ति का कोई उपाय थोड़ी किया जाएगा। आत्मा तो नित्य मुक्त है, मन ही बंधन का कारण है। और मन अगर मुक्त है तो मुक्ति है, मन अगर बंधा है तो बंधन है। ये बोध कराया, रहुगन धन्य हो गया। जब जान लिया तो करना क्या? अगर आपने जान लिया कि ये क्या है मामला, अहो अहम नमो मई हम बोधो हम प्रकृति परा जगन्नाशे जगन्नाशे जगत नाशे विश्व नाशे प्रकृति नाशे, किंतु मैं क्या हूं, मैं क्या हूं इन सब से परे। बोधो हम प्रकृति परा अहो अहम नमो मई हम, चित्त की दशा क्या है? अहो अहम नमो मई हम, एको हम देहवान अपि क्वचिन गंता ना गंता, कभी चलता है कभी नहीं चलता, धारण किया है शरीर को, शरीरी हूं मैं, शरीर नहीं हूं मैं। ये बोध कराया, क्या कराया? सब्सक्राइब करें साध्वी रतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।